बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो बिफोर दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, देयर नोमेनक्लेचर, द अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड देन एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। सो नाउ वी आर मूविंग टू a different type of reactions that benzene molecule gives. These are called as electrophilic aromatic substitution reactions. So characteristically, the reagents that react with the aromatic ring of benzene and its derivatives, they are called as electrophiles. Wo reagent jo benzene ring और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, अगर आप उन्हें एल्कीन्स के साथ रिएक्ट कराएं तो वो क्या करते हैं, दे ऐड टू द एल्कीन्स। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अगर डबल बॉन्ड के साथ आप किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे तो इट विल ऐड टू द डबल बॉन्ड और इस तरह की आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। सो ऐसे रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। बट व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इन दीज केसेस अ डिफरेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल्स रिएक्ट विद द एरीन्स और बेंजीन। सो दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देयर इज़ नो एडिशन, देयर इज़ नो एडिशन ऑन द डबल बॉन्ड्स ऑफ द बेंजीन रिंग। इंस्टेड सब्स्टिट्यूशन हैपन्स, और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपका एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल से, तो इस रिप्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो हाइड्रोजन जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो लेकिन डबल बॉन्ड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैसा ही डिफरेंस है जैसा कि हमने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के अंदर पढ़ा था कि ब्रोमीन ऐड होती है डबल बॉन्ड के ऊपर लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर वो ऐड नहीं होती। अगर हम एरीन को, एरीन मैनी एनी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इस तरह ARH के जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करें, H हमने इसलिए लिखा कि एक हाइड्रोजन जो कि रिप्लेस होगा, क्योंकि बेंजीन के केस में सारे हाइड्रोजन्स इक्वल हैं तो कोई भी हाइड्रोजन ये हो सकता है, सारे बिल्कुल उनका इक्विवेलेंट बिहेवियर होगा। तो अगर इसके साथ किसी इलेक्ट्रोफाइल को आप रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, सो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट रिप्लेसेस दैट हाइड्रोजन एंड एड्स इन प्लेस ऑफ दैट हाइड्रोजन। यहाँ पे देखें आप EY एक कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, जहाँ E पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब होगा क्या कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर वाई के साथ चला गया और जो ई था वो इसकी जगह पे एरोमेटिक रिंग पे आ गया है, तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम जनरल मैकेनिज्म एल्कीन्स का आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले उसको अपने जहन में रिमाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आगे हम उसके कंपैरिजन में हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देख सकें। तो जो एल्कीन्स का जो इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन है उसमें जो पहला स्टेप है, दैट इज़ द स्लो स्टेप और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। उसमें क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्कीन के, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं और एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाते हैं। ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये उस पर अटैक करेंगे और यहाँ से वाई एक लीविंग ग्रुप है जो कि लीव कर जाएगा। अब यहाँ पे एक रिजल्टेंट कार्बोकेटाइन बन गया है, तो इसकी फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि ये कार्बोकेटाइन जब बन जाता है, इट अंडरगोज रैपिड कैप्चर बाय सम लिविस बेस प्रेजेंट इन द मीडियम। वहीं पे कोई लिविस बेस मौजूद है जो
जो कि उसी मीडियम के अंदर जहाँ रिएक्शन हो रहा है वो लेविस बेस फौरन से इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये स्टेप फास्ट है, कार्बोकेटाइन का बनना दैट इज़ द स्लो स्टेप एंड दैट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। द सेकेंड स्टेप दैट इज़ द कैप्चर ऑफ द कार्बोकेटाइन, इट इज़ अ फास्ट स्टेप और ये फौरन से अकर करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये मेथड था एल्कीन्स का। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के केस में क्या होता है। बेंजीन के केस में भी पहला स्टेप बिल्कुल वैसा ही है, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफाइल और वहाँ से लीविंग ग्रुप साथ लीव कर जाएगा। अब हुआ क्या है, रिजल्टेंट आपके पास उसी तरह का कार्बोकेटाइन बना है और ये भी एक उसी तरह का स्लो स्टेप है, यानी कि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया और साथ कार्बोकेटाइन बन गया। दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वन ऑफ द एलिलिक टाइप। ये देखें एलिलिक टाइप का, ये डबल बॉन्ड है, उसकी नेक्स्ट एलिलिक पोजिशन है वहाँ पर डबल ये कार्बोकेटाइन है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसकी डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स बन सकती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्साडाइईनाइल कैटाइन। ये देखें साइक्लोहेक्सेन है और दो डबल बॉन्ड हैं, तो साइक्लोहेक्साडाइईनाइल कैटाइन, और इसको एरिनियम आयन भी बोलते हैं कॉमनली, ये इसका कॉमन नेम है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटाइन है। अब जो इसमें फ़र्क क्या है, देखें कि बेंजीन जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल था, लेकिन जब ये कैटाइन बन गया है तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज़ हो गई है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो लूज़ हो चुकी है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड उसका ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से ये जो इंटरमीडिएट है ये अब अगले स्टेप में ये फौरी तौर पे रिएक्ट करेगा और वो फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि ये इसकी एरोमेटिसिटी लूज़ हो चुकी है एंड इट विल ट्राई टू गेट बैक इट्स एरोमेटिसिटी। अब देखें कि नेक्स्ट स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गए, अब अगला स्टेप क्या होगा, फौरी तौर पे जो लेविस बेस है वो इस प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से उठाएगा और एरोमेटिसिटी बेंजीन की रीस्टोर होगी। एरोमेटिसिटी रीस्टोर हुई है तो आपके पास देखें कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया है हाइड्रोजन की जगह पे, और उसको ये जो प्रोडक्ट है आपकी ये आपके पास आ गई है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है। अब अगर लेविस बेस जो था उस आपका वो उसी इलेक्ट्रोफाइल का पोर्शन था, रिमेनिंग पोर्शन था, दैट एक्टेड एज अ बेस। अगर ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ऐड होता, अटैक यहाँ पे एक्ट करता, तो फिर क्या होता, ये यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर पे इसने क्यों नहीं अटैक किया, मतलब दैट कैन बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि जो वाई नेगेटिव था इसने प्रोटॉन को ही क्यों निकाला, इसने पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करके यहाँ पे क्यों नहीं ऐड हुआ। अगर वो वहाँ पे ऐड होता तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता एंड ये जो स्ट्रक्चर होता ये नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता, मतलब एरोमेटिसिटी कम्प्लीटली लूज हो जाती और एक लेस स्टेबल मॉलिक्यूल बनता। तो आपको पता है कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर मच मोर स्टेबल देन देयर नॉन एरोमेटिक काउंटर पार्ट्स, तो इसलिए ये वाला मैकेनिज्म सिर्फ फेवर होगा कि ये एज अ बेस एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेगा और यहाँ पे ऐड नहीं होगा, इंस्टेड ये इस प्रोटॉन को निकालेगा, क्योंकि इस प्रोटॉन के निकलने से जो एरोमेटिसिटी लूज़ हुई थी वो दोबारा वापस आ जाएगी और ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगी। तो ये जो है इसका जनरल मैकेनिज्म है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। अब अगर इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल देखें तो ये आपको पता चलता है कि देखें ये बेंजीन है और इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, दे हैव अ सर्टन एनर्जी। ये जो पहला एनर्जी बैरियर है, ये बैरियर ये पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड होगा, और ये बैरियर इतना बड़ा क्यों है, बिकॉज जो बेंजीन रिंग है दैट इज़ अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, तो बेंजीन नॉर्मली इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करती। अब ये जो ट्रांजिशन स्ट्रक्चर है इससे गुजर के ये इस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगी बेंजीन, और फिर एक और ट्रांजिशन स्ट्रक्चर स्टेट होगी जहाँ से गुजर के ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी। मतलब पहला जो बैरियर था उससे पास होकर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, अब दूसरा जो ट्रांजिशन स्ट्रक्चर है वो उसकी देखें एनर्जी बैरियर कम है, बिल्कुल ये थोड़ी सी एनर्जी चाहिए
अब उसको वाई नेगेटिव को एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए ये इतनी कम एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्टेबल है और एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है, इसलिए ये वाला एनर्जी बैरियर बहुत कम है। जो फर्स्ट वाला एनर्जी बैरियर है ये इसलिए बड़ा है कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज़ हो रही है। तो एरोमेटिसिटी लूज़ हो रही है इट मीन्स कि लेस स्टेबल जो चीज़ बन रही है, लिहाजा एनर्जी बैरियर इसके लिए लार्ज होगा। That is why many electrophilic reagents that react rapidly with alkenes do not react at all with benzene. तो लिहाजा आपको बेंजीन से रिएक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोफाइल भी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि अल्कीन्स के लिए बड़ा माइल्ड सा इलेक्ट्रोफाइल काफ़ी है, लेकिन बेंजीन के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। क्योंकि बेंजीन इट्सेल्फ बहुत लेस रिएक्टिव है और ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल हैं। अब ये जितना हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, जनरल जो इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया है, इसको अब हम यूज़ करेंगे और डिफरेंट जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको डिटेल में आगे स्टडी करते हैं। जो एस्पेशली उन इलेक्ट्रोफाइल्स को हमने देखना है जो कि बेंजीन पे अटैक करने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, यानी कि इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वो बेंजीन के ऊपर ऐड सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो सबसे पहला है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। चूँकि हम पहले इसका जनरल मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा अब हमारा मेन फोकस जो होगा वो उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है जो कि बेंजीन के ऊपर आके तो अटैक कर सकता है। ये इसका जो जनरल रिएक्शन है, जो कंप्लीट रिएक्शन है, वो ऐसे है कि नाइट्रिक एसिड बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट गिव्स यू नाइट्रोबेंजीन। तो इसमें अब हमने देखना है कि एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। इसमें देखें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इन दोनों में से कोई भी नहीं है, वो एक्चुअली नाइट्रोनियम आयन है, NO2 प्लस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बजाते खुद बड़ी लो होती है नाइट्रिक एसिड के अंदर, लिहाजा नाइट्रिक एसिड अकेला बेंजीन के साथ रिएक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो दैट सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली प्रोनाउंसेस दी प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है, और जैसे ही नाइट्रोनियम आयन इंक्रीज होगा डेफिनेटली वो अवेलेबल होगा बेंजीन के साथ रिएक्ट करने के लिए और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए। तो ये नाइट्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर है, अब फर्दर ये रिएक्ट करेगा। तो ये पहला स्टेप है इसके मैकेनिज्म का जिसमें नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये नाइट्रोनियम आयन के ऊपर बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अटैक करेगा। बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज़ होगी, ये कार्बोकेटाइन बनेगा जिसमें NO2 ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर ऐड हो चुका है। तो ये आपको पता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही जिस तरह जनरल मैकेनिज्म हमने पढ़ा उसमें इस प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी बाय सम लिविस बेस, और वो लिविस बेस आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड आपने जब सॉल्यूशन में डाला हुआ है तो वो एच आयन दे के जो HSO4 उसका पार्ट बाकी बच जाता है वो भी एक लिविस बेस है। इसी तरह वाटर उस रिएक्शन के अंदर मौजूद है, वाटर एक वीक बेस है, लेकिन चूँकि इस जो इंटरमीडिएट है इसमें अगर एक प्रोटॉन निकले तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन रही है वो बहुत स्टेबल बन रही है, मतलब एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है, लिहाजा यहाँ पे वाटर ही काफ़ी है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, एक वीक बेस ही इनफ है मतलब। तो वाटर इस प्रोटॉन को निकाल लेता है तो रिजल्टिंग आपके पास नाइट्रोबेंजीन आ गई और जो हाइड्रोनियम आयंस हैं ये भी रिकवर हो गए। हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली जब आपने एसिड डाला था उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर तो वहाँ पे प्रेजेंट था, तो ये आपका कैटलिस्ट आप समझेंगे रीजनरेट हो गया है। तो दिस वाज़ द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। सो नाइट्रेशन ऑफ द रिंग इज नॉट लिमिटेड टू बेंजीन अलोन बट इट इज़ अ जनरल रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन अ बेंजीन रिंग। कोई भी रिएक्शन
कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद हो, चाहे वो बाकी कंपाउंड कोई और हो, सिर्फ बेंजीन अलोन ना हो, उसके साथ भी नाइट्रेशन रिएक्शन इसी तरह से हो सकता है जिस तरह से हमने सिर्फ बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करवाया है। अब ये आपके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो कि आपने ख़ुद सॉल्व करना है। नाइट्रेशन ऑफ 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H9NO2 इन हाई यील्ड। व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट? तो आपने इस रिएक्टेंट की यानी कि पैराजाइलिन का नाइट्रेशन करनी है और आपने प्रोडक्ट देखनी है कि क्या ऑब्टेन होगी। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ये बिल्कुल वैसा ही है मतलब नाइट्रेशन की तरह, लेकिन सिर्फ इसमें इलेक्ट्रोफाइल का फ़र्क है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब बेंजीन रिएक्ट करती है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है एंड दैट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो इसमें क्या होता है कि ये साथ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप इस वाटर को साथ साथ रिमूव करते जाएं तो इस रिएक्शन की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है यानी कि प्रोडक्ट की तरफ जो इसकी मूवमेंट है वो ज़्यादा रहती है। तो यानी कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकती है। आप इसके रिवर्सिबल होने की वजह से अगर इसका वाटर रिमूव करते जाएं तो ये ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस मूव करेगा, यानी कि वाटर और प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो आपकी जो इन टर्न प्रोडक्ट है उसकी भी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें देखें कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्चुअली सल्फर ट्राईऑक्साइड है। जब आप सल्फर ट्राईऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट तो जो रेट ऑफ सल्फोनेशन है दैट इज़ मच फास्टर देन सल्फ्यूरिक एसिड अलोन। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप सल्फर ट्राईऑक्साइड इस्तेमाल करें, ओनली सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा अच्छी यील्ड में आता है आपके पास। अब इसमें होता क्या है कि जो पहला इसका स्टेप है इसमें आप देखें कि सल्फर ट्राईऑक्साइड के ऊपर बेंजीन रिंग अटैक करता है, उसी तरह उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप है नाउ उसमें एक प्रोटॉन उसी तरह लूज़ होता है, क्योंकि आपको पता है कि HSO4 नेगेटिव, ये HSO4 नेगेटिव ही है जिसको इस तरह से लिखा गया है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये चूँकि उसके अंदर मौजूद है सोल्यूशन के अंदर, लिहाजा ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और वापस सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, तो रिजल्टिंग आपके पास बेंजीन सल्फोनेट आयन बना। तो बेंजीन सल्फोनेट आयन जो है वो क्या करेगा, उसी सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें कि इस पे चार्ज ख़त्म हो गया है, यानी कि सल्फर पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है आपका वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास बन गया है। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। जो अकॉर्डिंग टू द यूजुअल प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमीन इज एडेड टू द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक आयरन एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड। अगर आप आयरन की मौजूदगी में ब्रोमीन ऐड करें बेंजीन के अंदर तो ब्रोमीन बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाती है। ब्रोमीन देखें कि एल्कीन्स के ऊपर तो बड़ी रैपिडली ऐड हो जाती है उनके अंदर, लेकिन बेंजीन के साथ रिएक्ट करने के लिए ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ब्रोमीन इट्सेल्फ इज़ नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिएक्ट विद बेंजीन रिंग। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर हमें कैटलिस्ट चाहिए और वो कैटलिस्ट क्या है, दैट इज़ आयरन। तो आयरन के लिए आप कुछ सिंपल नेल्स यानी कि ये जो कीलें होती हैं ये इस्तेमाल कर लें तो उन्हीं से ये रिएक्शन हो जाता है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो आयरन है वो खुद कैटलिस्ट नहीं है, एक्चुअली आयरन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू प्रोड्यूस आयरन ब्रोमाइड एंड आयरन ब्रोमाइड इज़ द कैटलिस्ट हियर। अब आयरन ब्रोमाइड क्या है, वो खुद वीक लिविस एसिड है, वो ब्रोमीन के साथ कंबाइन करेगा और इस तरह का एक लिविस एसिड लिविस बेस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि एक ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको शो हो रहा है और यही एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल है एंड दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिएक्ट विद दी बेंजीन। तो अब बेंजीन जो है उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा, यहाँ से ये इसको अपने साथ वो अटैच करेगा, दूसरा ब्रोमीन जो एटम है वो साथ से लीव कर जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप होगा।
और दूसरा स्टेप बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में हमने देखा लॉस ऑफ अ प्रोटॉन, जो कि लेविस बेस वहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपकी जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आयरन ब्रोमाइड की क्वांटिटीज़ हैं बहुत थोड़ी चाहिए, ये कैटलिस्ट है और आखिर में रीजनरेट हो जाता है। अगर आप देखें क्लोरीनेशन को तो दैट इज़ ऑल्सो कैरिड आउट इन अ सिमिलर फैशन टू ब्रोमिनेशन एंड प्रोवाइड्स अ रेडी रूट टू क्लोरोबेंजीन और अदर जो एराइल क्लोराइड्स हैं। यानी कि आप ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन बिल्कुल एक ही तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ आपने ब्रोमीन या क्लोरीन को अलग अलग लिखना है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, उनका रिएक्शन बिल्कुल एक जैसा ही होता है। तो फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन जो हैं ये रेयरली नॉर्मली परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत रिएक्टिव है और उसके रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल है, और आयोडीन जो है वो बहुत स्लो है और अनफेवरेबल है रिएक्ट करने के लिए। तो नॉर्मली आपको जो मिलेंगे वो ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन के रिएक्शन मिलेंगे बेंजीन के साथ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इसमें जो आपको एक क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम दिया है, वो आपने ख़ुद सॉल्व करना है, और अगर इससे रेलिवेंट आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप कर सकते हैं।